so sick of our shit. That's why the dead keep coming back to life. My baby isn't either. तो यार कैसे तुम सब, उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही हो गया। पर इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जहाँ मरे हुए इंसान तो जिंदा होते ही हैं, साथ ही मरी हुई मछलियाँ भी जिंदा हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लड क्वांटम मूवी की। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बुढ़ो को दिखाया जाता है जो मछलियाँ काट रहा होता है। ये बुढ़ो मछलियाँ खाने के लिए काट रहे कि बेचने के लिए मुझे नहीं पता। अब जब बुढ़ो मछलियाँ काट रहा होता है तभी वो सारी मरी हुई मछलियाँ अपने आप से जिंदा हो जाती है और कमर मटकाने लगती है, जिसे देखकर ऑब्वियसली सबके फटके हाथ में आ ही जाएगी। इस बुढ़ो का भी सेम यही हाल था, इसलिए वो निकल ली। डर के मारे बुढ़ो मछलियों को बक्स में डालकर घर के लिए निकल जाता है। बुढ़ो घर जाके वहाँ का सारा इंसिडेंट अपने बेटे को बताता है। इस बुढ़ो का एक बेटा है जिसका नाम है टेलर। अब टेलर नाम सुन के कपड़ा सिलाने वाले समझे क्या, पुलिस वाला है मैं। टेलर अपने पिता की बात सुन शौक हो जाता है। फिर जब वो कन्फर्मेशन के लिए मछलियों से भरा बॉक्स ओपन करता है तो वो देखता है कि मछली अब खुद की बॉडी खा रही है। इसके बाद टेलर को उसका दोस्त कॉल कर अपने घर बुलाता है, जहाँ टेलर की एक्स वाइफ की डॉग की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। टेलर अपने दोस्त से पूछता है कि तुमने इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की ना, जिस पर उसका दोस्त टेलर से कहता है कि ये कुत्ता है, लड़की नहीं। ये सुनकर टेलर उस डॉग को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसे वहीं गोली मार देता है। और फिर टेलर अपने एक्स वाइफ जोस के पास चला जाता है, जहाँ वो टेलर से कहती है कि जोसेफ और लाइजल दोनों जेल में हैं। टेलर अपनी एक्स वाइफ जोस से कहता है कि वो उन दोनों को जेल से छुड़ा लेगा। इसके बाद टेलर अपनी डेड के पास जाता है, जहाँ उसके पिता टेलर से मछलियों को जला देने के लिए कहता है। अब टेलर मछलियों को जलाने के लिए कार की डिक्की से गैस कैन निकालने जाता है, और जब टेलर कार की डिक्की खोलते है तो वो कुत्ता फिर से जिंदा हो जाता है। फिर डॉग टेलर पर अटैक करने वाला होता है कि तभी टेलर एक बार फिर कुत्ते को कुत्ते की मौत मार देता है, जिसके बाद उन फिश और कुत्ते को जला दिया जाता है। फिर टेलर अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ हमें जोसेफ और लाइजल को दिखाया जाता है। लाइजल टेलर की पहली वाइफ का बेटा होता है, जो जोसेफ और अपनी स्टेप मॉम जोस से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तभी जेल के अंदर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो खून की उल्टियाँ कर रहा होता है। अब दोनों ये देखकर जेल के दरवाजे को जोर जोर से मारने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर एक ऑफिसर और टेलर यहाँ आता है। ऑफिसर इस आदमी की हालत देखकर उसे चेक करने जाता है, लेकिन ये इन्फेक्टेड आदमी ऑफिसर पर हमला कर उसे काट देता है। इसी बीच जोसेफ हेल्प के लिए जाता है, पर वो इन्फेक्टेड आदमी उसके हाथ पर भी काट देता है। इसके बाद ऑफिसर एक रोड से इन्फेक्टेड आदमी को मारकर यमराज के पास डिलीवर कर देता है। फिर जोसेफ हॉस्पिटल जाकर मलहम पट्टी करता है। यहाँ जोम्बी के काटने पर भी जोसेफ जोम्बी में नहीं बदलता, क्योंकि उसके और उसके फैमिली के खून में इम्यूनिटी होती है। इसके बाद हमें जोसेफ की गर्लफ्रेंड चार्ली को दिखाया जाता है, जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, और यह प्रोटेक्शन यूज़ ना करने का नतीजा है। अब जोसेफ एबोर्शन करने का सोचता है, पर चार्ली एक मासूम जान को दुनिया में आने से पहले मारना नहीं चाहती थी, गुड डिसीजन, इसलिए दोनों एबोर्शन का प्लान कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हमें टेलर को दिखाया जाता है, जिसे रेडियो पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिटी में एक फैमिली इन्फेक्टेड हो गया है, जिसे सुनकर टेलर उस घर पर चेक करने जाता है। यहाँ घर के अंदर जाने पर टेलर को एक लेडी दिखती है, जिसे देख वो उसके पास जाने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि ये लेडी प्रेग्नेंट है, और वो अपने होने वाले बच्चे को पेट से निकाल कर खा रही है, जिसे देखकर टेलर की एकदम से फट जाती है। फिर तभी प्रेग्नेंट औरत टेलर पर अटैक कर देती है, जिसके बाद टेलर किसी तरह से इन्फेक्टेड औरत को मारकर यहाँ से भाग जाता है। फिर हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेलर और उसके फ्रेंड्स ने एक सेफ जोन बनाया होता है। इस सेफ जोन में टेलर सभी सर्वाइवर्स को पनाह देता है। ऐसे एक दिन कुछ सर्वाइवर इस सेफ जोन में आते हैं, जहाँ टेलर को एक लड़की इन्फेक्टेड दिखती है, इसलिए वो उसे मारकर बाकी लोगों को अपने साथ रहने दे देते हैं। अभी देख लाइजल बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि ये वायरस ब्लैक लोगों के लिए इम्यूनिटी है, वही दूसरी तरफ वाइट लोग के पास इम्यूनिटी नहीं होती। खैर अब क्योंकि लाइजल भी वाइट है, इसलिए उसे डर रहता है कि अगर कोई सर्वाइवर इन्फेक्टेड रहा तो वो उसके साथ साथ सारे वाइट लोगों को काट कर जोम्बी बना देगा। इसके बाद हम लिलित नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस सेफ जोन में आती है। लिलित इन्फेक्टेड होती है, पर फिर भी वो ये बात किसी को नहीं बताती। फिर हमें जोसेफ और उसकी गर्लफ्रेंड चार्ली को दिखाया जाता है, जो ये सोच के परेशान रहते हैं कि उनका होने वाला बच्चा ये दुनिया देख भी पाएगा या नहीं। इसके बाद हमें टेलर और उसके पिता को दिखाया जाता है, जो गैस स्टेशन पर जाके फ्यूल लाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब सब लोग प्लान बनाकर गैस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ हमें लाइजल को दिखाया जाता है, जो ड्रिंक करके लिलित को एक रूम में ले जाता है। अब लाइजल को ये पता नहीं होता कि लिलित इन्फेक्टेड है, इसलिए जब लाइजल उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तभी लिलित जोम्बी में कन्वर्ट होकर लाइजल को बुरी तरह से काट देती है, जिसकी चीखें सुनकर सब लोग यहाँ जाते हैं। सब मिलकर लाइजल को यहाँ किसी तरह से बचा लेते हैं। फिर हमें गैस स्टेशन पर टेलर, उसके पिता और कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है, जो जोम्बिस का सामना कर रहे होते हैं। साथ ही बूढ़ो सभी जोम्बिस का सर काट काट कर अलग कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग फ्यूल लेकर वापस आ जाते हैं। वहीं लाइजल अब अपनी फैमिली से काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से उसे जोम्बी ने काटा है, जिस वजह से वो अपने स्टेप ब्रदर जोसेफ से बदला लेने की सोचता है।
फिर मौका मिलते ही वो उसके पेट में चाकू घप कर उसे उसी इन्फेक्टेड लड़की के पास छोड़ देता है। जोश टेलर को इस बारे में बता देती है, जहाँ टेलर और उसके डैड यहाँ आकर अपनी फैमिली को बचा लेते हैं। पर इस बीच टेलर अपने साथ बाकी के सर्वाइवर को नहीं बचा पाता, जिस वजह से जॉम्बी सारे सर्वाइवर के साथ टेलर को बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद हमें लाइजल को दिखाया जाता है जो चार्ली के ऊपर एक जॉम्बी छोड़ देता है। वो जॉम्बी चार्ली को काट लेता है। ये देख उसके ग्रैंडफादर लाइजल पर काफ़ी गुस्सा होता है, इसलिए वो लाइजल को जॉम्बी के पास फेंक देता है, जहाँ जॉम्बिस उसे भी बुरी तरह से मार देते हैं। फिर टेलर के ग्रैंडफादर उनके साथ आने से मना कर जॉम्बिस को मारने लग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद ग्रैंडफादर को भी जॉम्बिस मार देते हैं। बोट पर जोसेफ, उसकी मॉम और चार्ली होती है। यहाँ चार्ली अपने बच्चे को जन्म देती है जो एक लड़की है। अब चार्ली अपनी बेटी को गोद में लेती है, जिसके बाद वो जोसेफ से कहती है कि वो उसे गोली मारते हैं, क्योंकि चार्ली जॉम्बी नहीं बनना चाहती थी। इसलिए जोसेफ चार्ली को ना चाहते हुए भी शूट कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।